अब्दुल रोजिक ने किसे किया है नॉमिनेट, प्रियंका या फिर सुम्बुल तौकीर खान को? वेल, हम देख रहे हैं कि जब पिछले हफ्ते नॉमिनेशन टास्क हुआ था तो सुम्बुल ने यहाँ पर अब्दू को नॉमिनेट कर दिया था गौतम के साथ आपसी सहमति से। तब से ही अब्दू उनसे नाराज थे, कल भी उन्होंने अपनी नाराजगी दिखाई थी, वो सुम्बुल से सही से बात नहीं कर रहे थे। सुम्बुल को ये चीज़ काफ़ी बुरी लग रही थी और कल लाइव फीड में हमने देखा कि यहाँ पर नॉमिनेशन टास्क भी हुआ है, प्रोमो भी सामने आ चुके हैं नॉमिनेशन के। आज हमें देखने को मिलेगा कि कौन कौन नॉमिनेट हुआ है। अब यहाँ पर प्रोमो में सुम्बुल तौकीर और प्रियंका खड़ी हुई हैं, जिसमें अब्दू जो है ना, इन दोनों में से किसी एक को नॉमिनेट कर रहे हैं। वेल, यहाँ पर सुम्बुल से वो नाराज़ है, प्रियंका से भी नाराज़ है और गौतम से भी नाराज़ है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अब से ये तीनों मेरे दुश्मन है। लेकिन नॉमिनेट उन्होंने प्रियंका को किया है क्योंकि उनके साथ प्रियंका का कंपटीशन था। यहां पर प्रियंका अपने रीजंस भी दे रही थी कि मुझे क्यों सेव करना चाहिए और अब्दू को क्यों नॉमिनेट करना चाहिए। उसी पर यहां पर अब्दू ने प्रियंका को नॉमिनेट करते हुए एक जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा है कि एवरी पर्सन हैव अ माइंड, यहाँ पर कोई छोटा और बड़ा नहीं है, क्योंकि प्रियंका ने कुछ चीज़ें ऐसी बोली थी अब्दू को लेकर के नॉमिनेशन टास्क हुआ था। तो उसी पर यहाँ पर अब्दू ने कहा है कि सबके पास यहाँ दिमाग है और कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। इसी पर अब्दू ने जवाब देते हुए नॉमिनेट किया है प्रियंका को, ना कि सुम्बुल को। तो दोस्तों कॉमेंट करके बताएं इस पर आपका क्या कहना है। बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।